शनि जयंती के अवसर पर कर्म फलदाता शनि बने दंड नायक और देंगे देवी संज्ञा को उनके कर्मों की सजा। इतने अवसर खोए आपने उचित मार्ग पर आने के लिए कि अब आपके पश्चाताप करने का समय भी निकल चुका है। अब समय है तो केवल कर्म फल भुगतने का। तो बताइए धर्मराज, कर्म फलदाता बनूं या दंड नायक? जो कर्म का महत्व बार बार समझाने पर ना समझे उसे दंड के लिए दंड नायक बनो शनि। मैं छाया पुत्र शनि देवी संज्ञा को उनके दुष्कर्मों का दंड देने के लिए दंड नायक स्वरूप धारण करता हूँ। कर्मों का फल अब केवल दंड ही है। हल मेरी पीड़ा की चिंता मत करो पुत्र,
इस पीड़ा में मेरा सबसे बड़ा आनंद है, आनंद कि मेरा पुत्र अपने कर्तव्य पथ पर लौट आया है। अपना कर्तव्य करो पुत्र, अपना कर्म निभाओ। जाओ पुत्र। पत्नी शनि को श्राप देती हूँ कि जिस पैर से इसने मेरी कोख पर प्रहार किया वो पैर इसी क्षण कटकर इसके शरीर से अलग हो जाए। संतान यदि आवेश में हो तो माता कभी कभी उसे दंड देती है, परंतु उसकी मंशा उसके कल्याण के लिए होती है। परंतु जब माता अपनी संतान को श्राप दे तो उसके मन में खोट है। आपने एक बालक को श्राप दिया देवी संज्ञा, ये है आपका पहला दंड। ये तो केवल प्रारंभ है देवी संज्ञा, आपको अपने हर पाप का मूल्य चुकाना होगा। सज्ज रहना, शनि दंड देगा। शनै शनै। इसी के साथ शनि के जीवन का दंडनायक अध्याय प्रारंभ होता है। कर्म फलदाता शनि एक नए अवतार, एक नए उत्तरदायित्व के लिए सज्ज है। कर्म फलदाता के रूप में जीव को बार बार मार्ग पर आने का अवसर देगा शनि, परंतु यदि फिर भी उचित मार्ग ना चुना तो दंडनायक बनकर पीड़ा देगा शनि। जब जब संसार मार्ग से हटकर कर्म फलदाता की चेतावनी को अनदेखा करेगा, तब तब दंडनायक बनकर संसार के समक्ष प्रस्तुत होगा शनि। शनि का यह दंडनायक स्वरूप केवल शनि को ही नहीं अपितु समस्त संसार को प्रभावित करेगा। परंतु महादेव, अब तक शनि कर्म फलदाता के रूप में भटके हुए को मार्ग दिखाता रहा है, दंड नायक के रूप में अपना कर्तव्य किस प्रकार निभाना है वो कैसे जानेगा? मत्स्य को तैरना और अश्व को दौड़ना भला किसने सिखाया है नारायण? यह तो इनकी स्वाभाविक प्रकृति है, जो जन्म से ही इनके स्वभाव में निहित है। उसी प्रकार शनि के सृजन के मंतव्य में भी कर्म फलदाता होने के साथ साथ दंडनायक होना भी निहित था। वो स्वयं ही सब कुछ जान जाएगा। शनै शनै। मैं आपसे क्षमा भी कैसे मांगू माता, आपको ये कष्ट भी मेरे कारण ही सहना पड़ा। क्षमा भूल करने की मांगी जाती है पुत्र, कर्तव्य करने की नहीं। और जब संसार स्मरण करेगा कि मेरे पुत्र ने संसार के हित के लिए क्या क्या किया, तो ये पीड़ा आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। घोर होने से पूर्व अंधेरा सबसे घना हो जाता है पुत्र। मुझे विश्वास है मेरा पुत्र न्याय की भोर लाएगा।
बहुत पीड़ा हो रही है, शीघ्रता करो, कोई और औषधि का प्रबंध करो, शीघ्रता करो। अचानक पीड़ा कम हो रही है, क्या हुआ? उत्तर दो, क्या हुआ? तो केवल प्रारंभ है देवी संध्या, आपको अपने हर पाप का मूल्य चुकाना होगा। शनि दंड देगा। बहुत पीड़ा हो रही है देवी संध्या। नहीं शनि, नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, छोड़ दो मुझे अकेला। दृष्टि डाली है तो एकांत में कैसे छोड़ूंगा? सूर्यदेव, व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हैं आप देवी संज्ञा, कोई नहीं आएगा। शनि सबके कर्म देखता है, परंतु शनि को फल देते हुए कोई नहीं देख पाता, केवल दोषी अनुभव कर पाता है। कहा था ना, ये तो बस प्रारंभ है, आपके दंड की यात्रा अभी शेष है। नहीं 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 शनि, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे पीड़ा मत दो शनि। क्षमा मांगने की भी समय सीमा होती है देवी संज्ञा, क्योंकि आप कब की पार कर चुके हैं और अब समय है तो दंड का। शनि मेरे पास मत आना, दूर रहना, दूर रहना, आगे तो मैं पास मत आना मेरे। माता, आपकी चित्कार सुनकर आया, क्या हुआ आपको? यम, यम, वो शनि,
शनि यहाँ था, यही था शनि। शनि, शनि, यह शनि नहीं है माता। नहीं, वो यही था वो। वो रहा शनि यम। केवल मैं हूं माता, आपने स्वप्न देखा होगा, विश्राम कीजिए। नहीं नहीं हम, शनि यही है, वो यही था, ढूंढो से ढूंढो। वो रहा शनि। शनि माता मेरी ओर देखिए, शनि यहां नहीं है, केवल हम दोनों हैं। चलिए विश्राम कीजिए। नहीं, भ्रम वो नहीं जो मैंने देखा था, भ्रम तुम हो। तुम उस शनि के साथ मिल गए हो ना, तुम्ही ने उससे कहा था ना कि मुझ पर दृष्टि डाले। जाओ जाओ यहाँ से, चले जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ। नहीं माता, वो निर्णय आपके पुत्र ने नहीं धर्मराज ने किया था माता, परंतु इस समय आपका पुत्र आपके समक्ष है, आपके साथ है माता। नहीं, मुझे विश्वास नहीं, जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। माता मैंने कहा है कान, जाओ यहाँ से। पीड़ा कुछ कम हुई छाया जी, अब पहले से अधिक स्वस्थ अनुभव कर रही हूं। बैठो। संख्या ने जो तुम्हारे साथ किया, जो पीड़ा तुम्हें दी, वो पल मैं बदल नहीं सकता छाया, परंतु क्षमा अवश्य चाहता हूं, इसलिए आज मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। नहीं देव, आप विवश थे। मुझे अपनी पीड़ा की चिंता नहीं, केवल शनि के लिए चिंतित। बहुत कष्ट सहे हैं उसने, कभी कभी इच्छा होती है कि मेरा भी कोई अस्तित्व होता, ताकि मैं शनि को उसका अस्तित्व दिखा पाती। कदाचित मेरे पास कोई विकल्प होता। विकल्प है छाया? तुम शनि से बात करो, हम एक नया प्रारंभ कर सकते हैं, आनंद से एक परिवार के भांति रह सकते हैं। तुम शनि को समझाओगी ना? अद्भुत सूर्यदेव,